यहाँ पे सब जो जिसको लाया गया था उनके खिलाफ यूएसए के एलिगेशन लगाए गए थे, और वहाँ पे हमने भी आर्ग्यूमेंट किया, पीटी ने भी आर्ग्यूमेंट किया, मगर आज दिन के आखिर में ऐसा समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है जिसके नीचे उनको अपने अपने घरों में जाके वहाँ पे हाउस अरेस्ट के नीचे रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने डायरेक्शन दिया है। जब पुणे पुलिस खुद लेकर जाएगी उनके घरों पे, हैदराबाद, मुंबई और थाने वहाँ पे, मगर वहाँ पे नजर कैद के लिए वहाँ के लोकल पुलिस ही यूज किए जाएंगे। ओके, तो उस दौरान उनको क्या क्या चीजें अलाव होंगी, क्या उनसे कोई मिल सकता है या सिर्फ उनके लॉयर्स और पुलिस ही सहेंगे उनको? उनके अकॉर्डिंग टू लॉ उनको उनके वकील तो मिल ही सकेंगे, उनके जो ब्लड रिलेटिव है जो घर में रहते हैं लोग उनके साथ रह सकेंगे। डिफेंस काफी सीधा था कि उन सारी चीजों का जो इस केस से कोई संबंध नहीं, बताइए कि कौन कौन से एलिगेशन हुए उसके ऊपर आपने क्या किया? आरोप एलिगेशन ये थे कि इन्होंने फंडिंग के लिए हेल्प की लोगों से, या फंडिंग के लिए लोगों से मिले, उनसे पैसे मांगने चाहिए, इस कारण के लिए उनका जो माओवाद है वो बढ़ाने के लिए, फैसिस्ट मूवमेंट आगे लाने के लिए। अभी इसके लिए उनके पास एविडेंस आज के बिना पर कुछ नहीं है।